दोस्तों क्या हालचाल है आप सबके। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। और सुबह के दोस्तों लगभग 8 बजे का टाइम हो चुका है, तो थोड़ा सा दहेज भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कल जो था कल एक दो जगह पे रात को मैं गया, फिर रात को आया मेरे को कम से कम 11 बजे घर पे। तो उसके बाद सुबह उठा 7 बजे, तो उसके बाद जो था अपना जल्दी जल्दी से स्नान वगैरह किया और पूजा पाठ की, और अभी जो है अभी चले पड़े हैं हम अपने मक्की की खुटवाई के लिए। तो ये डल, तो इसमें जो है इसमें मक्की वगैरह डालते हैं ना, तो दोस्तों ये जो होता है ना काम खेती बाड़ी का, तो ये 5 या 6 महीने में कंप्लीट होता है हमारा काम। तो आज खुशी खुशी जो है वो काम दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है कि जिसको हम छलियों की खुटवाई बोलते हैं दोस्तों पहाड़ी भाषा का। तो मक्की की खुटवाई जो है अभी हम बस शुरू करने वाले हैं, कुछ देर में मैं पहुँच जाऊँगा खेत बॉडी से स्टार्ट करूँगा। और जो कि अपने बल्ली थी ना, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हुई नहीं, तो वहाँ पे 25-30 गड्ढे जो हैं वही हैं खुटवाई के लिए, और बाकी तो ऐसे ही मतलब पानी में हो गए था ना, गीले हो गए थे, तो उसके कारण जो था वो सड़ने लग गई थी, तो उसको हमने टांडे को इकट्ठा कर लिया था। तो अब जो है अब हम गड्ढे वगैरह थे ना, तो उसका ढलवान हुआ। और देखिए रमना, हेलो हाय, जो कि है मुझे भी थोड़ा सा कटवाया, एक आधा गड्ढा और कटवा दूंगा, और उसके बाद अभी स्नान सुनान होगा और भैंसों के लिए फ़ोन कर रहे हैं। और सुभाष भाई का फ़ोन आ गया कि आप जल्दी से जल्दी आप आइए, और शायद मेले में भी जाऊँ दोस्तों। आपको पता है कि आज गुग्गे का मेला है ना, तो उसमें भी जाना पड़ता है, तो देखते हैं आप क्या बनता है। दोस्तों इस बार छल्ली जो थी ना कम है छल्ली से बार ना, तो पहले हमने सोच चलो ठीक है, बहुत बढ़िया जो हो गया वो ठीक है, बंदी राजी चाहिए क्यों भाई, खाने डालने चाहिए, खाना कमाना हर चीज़ होती रहेगी, लेकिन चलो बंदे मकौड़ियाँ जैसी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं इसमें ना बिकू हैं, तो सूगा बना लिया पक्का। तो गाइस बिकू को आप देख सकते हैं, बिकू फुर्ती मार रहा है बहुत ज़्यादा आ गई हैं सुभाष भाई की भी, कि जल्दी जल्दी आप आइए। तो अब दोस्तों मैं जल्दी से फटाफट से स्नान कर लेता हूँ वॉशरूम वो पास सामने, और रेडी हो जाता हूँ, सो फिर चलते हैं आगे। जी गेम खेल रहा है, जी गेम खेल रहा है, तो रेस्ट कर रहा था भाई जी भी हमारा, तो आज मेले चलना देखा है चलना बड़े चल के बड़े आज बड़ा है चल के संजय जी हम गए ठीक है। तो आज रमना को आई कॉल, जो कि हमारे भान जी रेखा ना, और साथ में बिक्कू को भी आप देख सकते हैं, बिक्कू आज काफ़ी नर्वस हो रहा था, चाबी जीब से जी फेंक दो तो चाबी। तो गाइस अब मिलते हैं आगे, सुभाष भाई की कॉलें बहुत सारी रखी हैं, और साथ में दोस्तों आपको पता है मेला भी आज अगर वक्त मिला समय तो निकालूंगा पक्का, क्योंकि आज गुग्गे का जो लास्ट मेला है ना बड़ा मेला, तो दिखाऊंगा जरूर अगर पहुंच गया समय से। तो गाइस दो भैंसें ले ली, वो चला गया ट्राला पीछे, और एक जो है गबन है तो वो सोने के लिए है, एक या दो दिन में तैयार हो जाएगी रेडी। और अब जो है चलेंगे हम अपने मोड़ा या किसी और जगह पे, और उसके बाद जो फिर मंदिर में चलेंगे। तो गाइस अभी आपके लेके चलेंगे फिलहाल मोड़ा में। पहले मैंने बोला था ना कि अभी भूख भी लगी है, तो हमारे सुभाष भाई भी और साथ में पंडित जी कुलदीप चंद जी जो कि गुग्गा मोड़ा है ना, तो वहाँ पे मेला है और ये है गांव, तो चाचू जी ने यहाँ पे लगा दी अपनी दुकान, जो देखिए जलेबी मिलती है। चाचू रोज बनाते दो दिन रोज बनाते जोरा ने बोला तुमने तो ये ना ना बढ़िया अच्छा। तो दोस्तों ये देखिए असली मेला है, ये असली मेला, तो ये लिए पकौड़े। यहाँ पे बहुत मजा आया, जो कि पकौड़े बन रहे थे ना गर्म गर्म, और जलेबी बन रही थी, तो हमारे चाचू जी ने जलेबी तो पहले बना दी थी और वो लग गई है, क्योंकि आपको पता है गांव छोटा सा ही है, लेकिन 10-15 kg तो लगी है, 10 kg तो लगी है, थोड़ी और लेंगे चाचू जलेबी आया ना, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, मजा आ गया। गर्म गर्म जलेबी बन रही है, गर्म गर्म जलेबी ली। तो दोस्तों अभी जो है गुग्गा मोड़ में पहुंचा हूँ, लेकिन शायद अभी एक जगह पे और जगह जा रहे हैं, तो भाई के अब बैस को दूर नहीं देखनी है, इसलिए आपको मैं मेले की शायद खेल कवर कर सकूँ या ना कर सकूँ, लेकिन मेरा मन था कि परंपरा के मुताबिक जो है हर बार आपको गुग्गे मंदिर का मंदिर का खेल जो रहती थी वो दिखाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो
हमारा जैसे कि व्यापार चला हुआ ना, तो अभी व्यापार भाई को फोन आया कि भैंस लेंगे, और अभी थोड़ी सी आपको दिखाऊंगा मैं ब्लॉगिंग आई यहाँ से, तो दुर्गा मंदिर की आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप दोस्तों, जो कि शॉप वगैरह और सभी जितने भी हमारे गांव के छोटे बच्चे बुजुर्ग बूढ़े हर एक नौजवान जो भी जितने भी आए हुए हैं, और मेला पूरा भर चुका है। बैती जो है, बैती अभी अपना पार्थ वगैरह गाते हुए ना, और खेल जो है खेल डलेगी, अभी खेल डलने को समय है। अगर मैं वापसी भी आ सका तो दोस्तों आपको जरूर दिखाऊंगा खेल, दुर्गा मंदिर आप सबकी मनोकामना जो है वो पूरी करे। अब जो है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो आधा ही काम छोड़ के जा रहा हूँ, आपको पता अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो बाद में फिर मिलूंगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं, और कुछ लोग बच्चे जो हैं बर्गर वगैरह खाते हुए, और हमारी मातृशक्ति मेले का पूरा एंजॉय करते हुए, और साथ में भाई हमारे चाय मांग चुके हैं, और अभी घर पे पहुंचा हूं। तो मुझे ये बताते हुए आपको दुख हो रहा है थोड़ा सा ना, क्योंकि जो कि आज ब्लॉगिंग मैंने बनानी थी ना, तो वहां से जब मैं गया तो फिर वो सौदे की बात भी नहीं बनी, सौदे की बात भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कॉल करके जो कि सुभाष भाई थे, उनको कभी जीना दुस्वार कर दिया था ना कि यार आओ के भैंस देखो, आप वहां पे देखा, वहां पे सौदा नहीं बना हमारा। और सबसे बड़ी बात ये थी, मैंने तो आपको खेल दिखानी थी लेकिन दिखा नहीं सका, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, जो कि गुग्गा जारपी का जो खेल थी ना, वो मैं आपको दिखा नहीं सका दोस्तों इस बार। और एक खुशी की बात यह है कि घर में कौन आया दिखाने, यहाँ पहुंच गई है, हाय हेलो, और साथ में पल्लू पल्लू यहाँ पे। तो गाइस छुट्टी है कल की ना, संडे, तो कल का जो है कल का संडे, कल की छुट्टी है इसको। तो गाइस अभी आपको लेके चलेंगे किचन में, तो नया किचन भी बढ़ाई, हाँ जी, तो किचन में लेके चलता हूँ दोस्तों। तो बहुत सारा दुख हो रहा है मुझे आज आपको, मैं आज गुग्गा जारपी का जो कि खेल होनी थी वो नहीं दिखा सका। मक्की की बात करें तो मक्की जो है, मक्की उन्होंने खोद दी है, पता नहीं कितने गड्ढे खोटे होंगे, लेकिन इस बार फल नहीं है बहुत ज्यादा ना। तो गाइस देखिए अभी जो है रमना अभी सब्जी बना रही है। हेलो, हाय रमना, हाय। तो सब्जी में क्या बना है आज? बना टेस्टी वाला कद्दू। टेस्टी वाला कद्दू बना के रखा भाई आज। आज बिक्कू कहाँ है? ठप्पर को गया, तो बिक्कू जा भाई, वो ले गया उसका भाई अपना हरजीब, तो वो अपने आज आपको पता है बहुत जगहों पर गया लेकिन काम नहीं बना। तो आपको पता है कभी कभार ऐसा होता है, आंखों को भी आप देख सकते हैं गाइस के, बहुत ही बुरा हाल है। तो गाइस मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे करता हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इंस्टा आईडी को मत भूलिएगा, इंस्टा आईडी है मेरी पहाड़ी मिला 23। और गाइस शाम के 8 बजे के जो के आसपास है जो टाइम हो चुका है, तो शाम के 8 बजे के करीब जो है मैं ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुग्गा जारपी जो है वो आप सबकी जोलियों में खुशी भरे। थोड़ा सा खेल ये हुआ कि खेल नहीं दिखा सका मैं, तो उसके लिए मुझे बहुत दुख है, मुझे क्षमा करना। और दोस्तों आज जो है, आज हम मक्की छलियां दी अपनी जो कि बना खटवाई है ना, वो करती शुरू। तो गाइस आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को बाय बाय, टेक केयर।